अगली बड़ी अपडेट लखनऊ से हमारे पास है। मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। अब एंटीजन रिपोर्ट के आधार पर भी भर्ती हो जाएगी। जी हाँ, अभी तक अस्पताल सिर्फ आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखकर ही भर्ती करते थे। प्रभारी डीएम रोशन जैकब ने अधिकारियों को यह बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया है। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट भी भर्ती करने के लिए पर्याप्त होगी अस्पतालों में। अब इसमें सवाल सिर्फ बेड्स की उपलब्धता और ऑक्सीजन की उपलब्धता का है। अगर एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट मान्य है तो भर्ती करने के लिए उस हिसाब से लॉजिस्टिक्स भी होने चाहिए। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह कि ये भी केवल कागजी और आंकड़ों का ही खेल लगता है, क्योंकि पहले भी ये निर्देश थे कि अगर मरीज की स्थिति गंभीर है तो उसे कोविड का मरीज मानकर ही आप इलाज शुरू करिए, आप भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। लेकिन आंकड़ों का खेल चल रहा है, रजिस्टर पर लिखने का खेल चल रहा है, जमीन पर इससे कुछ बदलना नहीं है, क्योंकि बेड्स तो है ही नहीं। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, सवाल सीधा सा ये है कि रोज एक नया फरमान जारी होता है, अब सीएमओ साहब रेफरल लेटर नहीं देंगे, बड़ी रहमत हो जाएगी लोगों पर। अब ये कह दिया गया कि एंटीजन रिपोर्ट के आधार पर भर्ती कर लेंगे। बेड और ऑक्सीजन की जिम्मेदारी दो मंत्रियों को दे दी गई। ये जो टीम 11 की बैठक होती है, क्या पूरी तरीके से अधिकारी मुख्यमंत्री की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कुछ कदम उठाए गए हैं उससे तो यही लग रहा है कि जो कुछ खामियां मिली उसके बाद मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया, और इसीलिए जो पहले सीएमओ के रेफरल लेटर की जरूरत पड़ती थी उस आदेश को वापस लेने को कहा, और फिर जो उत्तर प्रदेश में अमित मोहन प्रसाद हैं जिनके ऊपर जिम्मा है स्वास्थ्य विभाग का, लंबे समय से पिछले वर्ष भी जब कोरोना काल था तब भी वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन कैसे जिम्मेदारी संभाल रहे पता नहीं है, क्योंकि आप देखिए किस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, बेड है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, तो उन्हें ये कहा और उसके बाद उन्होंने आदेश जारी किया। आदेश ये है कि अब कोई रेफरल लेटर की जरूरत नहीं होगी, यानी निजी अस्पताल 90% खुद मरीजों को भर सकेंगे अगर उनके यहाँ बेड अवेलेबल है तो, 10% उनको रेफरल सीएमओ के लेटर पर भर्ती करना पड़ेगा। इसी तरह जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर 30% जो है वो खुद भर्ती करेंगे, 70% वो रेफरल लेटर पर भर्ती करेंगे। और फिर से एक बार रेट लिस्ट जारी की गई है कि निजी अस्पताल इससे ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, L1, L2, L3 वेंटिलेटर है तो इतना, ऑक्सीजन है तो इतना, PPE किट के साथ इतना, हर एक चीज़ की रेट लिस्ट जारी की गई, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। प्राइवेट अस्पताल तो अपनी मनमर्जी से पैसा लेते हैं, उन्हें जितना पैसा लेना है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा परिवार वालों के लिए मरीज को बचाना ज़रूरी होता है। और सरकार भले ही बार बार जियो जारी करे, शासनादेश जारी करे कि यही रेट रहेगा, हम कार्रवाई करेंगे, पर कुछ ऐसा है नहीं। प्राइवेट अस्पताल में लोगों को बेड मिल जाए यही उनके लिए राहत भरी खबर रहती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ जिस तरीके से ऑक्सीजन की बात है, देखिए ऑक्सीजन तो लगातार कम होता जा रहा है, कहीं पर भी आप लखनऊ की बात करिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर हैं उनके यहाँ तो भीड़ लगी रहती है, लोग वहाँ पर अपने अपने सिलेंडर लेके जा रहे हैं प्राइवेट लोग, ताकि उनके मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, तमाम अस्पतालों ने ऑफिस अपने बाहर नोटिस चिपका के रखा है कि हम बार बार संपर्क में ऑफिस में, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। लेकिन अब कोशिश ये की गई है कि जो बोकारो स्पेशल ट्रेन भेजी गई है वो कल तक पहुंच जाएगी, और उसके जरिए ऑक्सीजन की बेहतर सप्लाई हम उम्मीद कर रहे हैं। अनुभव, अब में भी हो इस उम्मीद पर ये चीजें कितनी खरी उतरेंगी देखने वाली बात होगी। बाकी जमीन पर जो हो रहा है वो आपने बता ही दिया कि किस किस्म की ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी बनी हुई है और बेड्स की किल्लत बनी हुई है, इसलिए ऐसे शासनादेश व्यवहार में कितने प्रभावी हैं, सवाल यही है। हमारे साथ बने रहिए अनुभव।